एजुकेशन के क्षेत्र में कोई आदमी आगे बढ़कर के अगर काम कर रहा है तो हमें भी उसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, अगर पैसों से ही अगर एजुकेशन मिलती तो जो बड़े बड़े जो घराने हैं, टाटा बिरला रिल अंबानी हैं, सारी शिक्षा उनके घर में होती। अगर पैसे के बल पे अगर शिक्षा प्राप्त की जा सकती होती तो ये सारी एजुकेशन इन्हीं के पास में होती। आज गरीब घर का बच्चा भी आईएएस आईएएस और टॉपर है, आईपीएस बन रहा है, आईएएस बन रहा है, तो कोई बिना पैसे के बल पे तो बन नहीं रहा है। तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई ऐसी काबिलियत है, उसमें कोई लगन है, और वो लगन जिसमें होगी वही आगे का अपनी काबिलियत शो कर सकता है। पैसे के बल पे कोई भी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल आंकड़े दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए आंकड़े गवर्नमेंट इकट्ठे करती है। अब ये साक्षरता का, उस साक्षरता का क्या महत्व है जिस साक्षरता में बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी हो, उस साक्षरता का कोई महत्व मैं नहीं समझता हूँ। जब बच्चों को हम पेल नहीं करेंगे तो बच्चे में एक कम्पिटिटिव भावना ही नहीं आएगी। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं, यहीं पे गवर्नमेंट स्कूलों का ही उदाहरण है। वहाँ पर अभी जब बच्चों को ये पता चला कि आठवीं क्लास तक हम किसी को भी फेल नहीं करेंगे, तो बच्चे ने खाली कॉपी रख करके टीचर के सामने और ये कह दिया कि अगर तेरे बाप में दम हो तो इसको फेल करके बता दे मुझे। तो इस तरीके के बच्चों में क्या भावना जाएगी? तो फेल करने का जो सिस्टम, हम ये नहीं कह रहे कि फेल करें, उसको रिपीट करें, हम रिपीट का नाम उसको दे दें, लेकिन उसको रिपीट होना जरूरी है। बच्चे में एक भय तो होना ही चाहिए कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो मैं पास नहीं हो सकता, ये भय बच्चे में ज़रूर होना चाहिए। और बिना इस बह करके आप सोचे, अब वो बच्चा अगर आठवीं तक बिना पढ़ा हुआ बच्चा आठवीं तक चला गया तो नवीं दसवीं से वैसे ही कोर्स और सिलेबस इतना बड़ा हो जाता है कि वो बच्चा कवर कभी नहीं कर पाएगा और उसकी नींव हमेशा के लिए कमजोर जाएगी, और ऐसा बच्चा न तो देश का नागरिक बन पाएगा न कोई अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। छात्र और अध्यापक के बीच में एक गहरा संबंध होता है, जिस प्रकार से माँ बाप के और घर वालों के और बच्चे के बीच में एक ब्लड रिलेशन होता है। दूसरा अगर सबसे बड़ा कोई अगर संबंध है तो छात्र और अध्यापक के बीच का संबंध होता है, लेकिन कुछ मीडिया ने, कुछ कानूनों ने इसका दुरुपयोग किया है, और दुरुपयोग कर करके बच्चों में और माँ बाप में इस तरीके की ये भावनाएं बढ़ रहे हैं कि साहब आपका बच्चा को बहुत दंडित किया जा रहा है। जबकि एक्चुअल में अगर एक अच्छा अध्यापक अपने बच्चे को सिर्फ एजुकेट करने की, उसमें अच्छे संस्कार देने की, उसको एक अच्छा नागरिक बनाने की सोच रखता है, और उसके लिए अगर कभी जब माँ बाप भी अपने घर में बच्चे को दंडित कर सकता है तो उतना ही अधिकार टीचर को भी होना चाहिए। और हम तो यही है कि इस संबंधों को, ये मीडिया से भी मैं निवेदन करूँगा कि इन संबंधों को कम से कम आप नहीं बिगाड़ें। ये संबंध जो बरसों से चले आ रहे हैं, भारतीय परंपरा में चले आ रहे हैं, गुरुकुल से ये संबंध चले आ रहे हैं कि एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों को राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, बच्चे को एक नागरिक बना रहे हैं, तो ये दंडित करने का, और इसी मीडिया की इनकी वजह से आज माँ बाप को भी जरा सा बच्चा घर पर जाके शिकायत करता है, माँ बाप तुरंत मीडिया में पहुँच जाता है। जबकि बहुत से माँ बाप, हम भी यहाँ स्कूल चलाते हैं, और बहुत से माँ बाप, यानी मैं ये कहूँगा कि आप 80% माँ बाप तो यहाँ करके खुद कहता है कि साहब आप बच्चों को मारो पीटो कुछ भी करो, बच्चे आपके हैं। लेकिन हम लोग कोई कसाई तो है नहीं कि जो बच्चों को हम मारेंगे पीटेंगे। हम अगर बच्चे को दंडित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बच्चे का कहीं भविष्य बनाने के लिए ही हम उसको दंडित कर रहे हैं, और थोड़ा सा भय जब बच्चे में होता है उसी से बच्चा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भय बिन होए न प्रीत गुसाई, तो ये बात कहावत भी चरितार्थ होती है, तो थोड़ा सा भय तो बच्चे में होना ही चाहिए। बिल्कुल, पिछली जो पिक्चर थी मिस्टर पॉजिटिव, उसमें मेरे ख्याल से 60% कम से कम स्कूल वालों ने और बच्चों ने, शिक्षकों ने देखी, और निश्चित रूप से बच्चों ने उससे खूब प्रेरणा ली है और बच्चों को अच्छी लगी है एजुकेशन के लिए। हमारे को भी उससे प्रेरणा मिली है, स्कूल वालों को भी प्रेरणा मिली है, और आगे भी मैं यही सभी
प्रदेश महासचिव होने के नाते मैं राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ का मैं प्रदेश महासचिव हूँ, उस नाते भी मैं अपने सभी स्कूल डायरेक्टर्स को यह कहना चाहूँगा कि हमें इस प्रकार की अगर कोई एजुकेशन पे काम करता है और एजुकेशन पे, क्योंकि ये जो काम लोग करते हैं ये एक रिसर्च पे काम करते हैं, पूरे डेटा इकट्ठा करके उस पर कोई अगर चीज़ पिक्चर बनानी होती है, पिक्चर बना रहे हैं तो भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से पूरा डेटा इकट्ठा करके और रिसर्च करके कोई चीज़ बनाते हैं, तो हमें भी ये पिक्चर देखनी चाहिए, बच्चों को भी दिखानी चाहिए, हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और हम इस पर पूरा सपोर्ट करेंगे। और आगे जो इनकी पिक्चर आ रही है अनमोल भैया, हम उसके लिए भी मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि एजुकेशन के क्षेत्र में कोई आदमी आगे बढ़कर के अगर काम कर रहा है तो हमें भी उसका तन मन और धन से उसका स्वागत करना चाहिए और उसे हमें सहयोग करना चाहिए। देखिए आर्थिक युग है, हर आदमी को हक है अपना अच्छा से अच्छा अपना घर चलाने के लिए, उसका सबका हक है और हर आदमी ये चाहता है कि मुझे अधिक से अधिक मुझे वेतन मिले, मैं अपना गुजारा कर सकूं। हमारी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, हम लोग उस एरिया में स्कूल चलाते हैं जहां पर गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती है। हम दो हमारे बहुत सारे जो स्कूल हैं दो दो तीन तीन हज़ार रुपये महीने में भी, सालाना महीने में भी, सालाना फीस पर भी बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। अब जो स्कूल इतनी कम फीस ले लेकर के भी अगर एजुकेशन दे रहे हैं तो राष्ट्र का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन अब टीचर की चूँकि उसके भी परिवार है तो वो चाहेगा, उसकी भी अपेक्षाएँ हैं कि अब मैं भी कुछ धनराशि कमाऊँ। तो अब वो राशि जब हमारे पास में इतनी इनकम नहीं होती है तो हम वो राशि नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो दौड़ता है कि या तो मेरा सरकारी नौकरी में हो जाए तो उसमें एक तो उसकी अपना जीवन सुरक्षित हो जाता है, दूसरा उसको ये लगता है कि मुझे वहाँ पर कम काम करना पड़ेगा और वेतन मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, और दूसरा प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं में भी इसलिए भागता है कि वहाँ पे घंटे के हिसाब से मुझे पैसे मिल जाएंगे, चार घंटे में वहाँ काम कर लूँगा, चार वहाँ कर लूँगा, उस हिसाब से मैं अपना गुजारा कर लूँगा। तो इसमें वो बुराई भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी जो टीचर जो है देने वाले, शिक्षा देने वाले जो एक्चुअल में वास्तव जो टीचर में जिसको कहता हूँ, जो अध्यापक है, निश्चित रूप से आते हैं और अपनी सेवाएँ देते हैं। निश्चित रूप से डमी क्लासों का सिस्टम जो है बहुत इलीगल है और ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिक्स क्लास से लेकर के अगर बच्चा करता है तो सिक्स क्लास के बच्चे को मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक बच्चा 12th तक का आता है जब तक भी उसका इतना दिमाग नहीं होता है कि उसके क्या है, 12वीं क्लास करने के बाद में फिर बच्चा खुद सोचे कि मेरे किस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स अपने आ रहे हैं या किस सब्जेक्ट को मैं चला सकता हूँ, उस हिसाब से वो अपना फील्ड चुने, न कि माँ बाप का थोपा हुआ फील्ड उस पर चुने। अब यहाँ पे सिक्स क्लास से बच्चे को आप भेज देते हैं, वो लोग सिर्फ कोचिंग सेंटर वाले सिर्फ बच्चे को जो कंपटीशन में जो एग्ज़ाम देने की है, जो गणित विज्ञान इंग्लिश और तीन चीज़ों के और जो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन उनके होते हैं उनकी वो प्रैक्टिस कराते हैं, जबकि हमारे स्कूलों में हम लोग तीन तीन तो लैंग्वेज पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत। इसमें और संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे भारत की ज़्यादातर जितनी भी लैंग्वेज है उन सबकी जनक है, तो निश्चित रूप से संस्कृत और हिंदी में बच्चे को हम लोग पढ़ा करके उसके अंदर हम संस्कार वाली बात भी करते हैं, बच्चे को हम नैतिक शिक्षा भी सिखाते हैं, बच्चे को हम सामान्य ज्ञान भी देते हैं जो कोचिंग सेंटरों में नहीं आता है। वो सिर्फ उन्हें एक मशीन बनाने के काम करते हैं कि पैसे कमाने की एक मशीन बनाते हैं, और वही परिणाम आता है जब यही बच्चे इनमें से कोई बच्चा सेलेक्ट होकर के अगर IITs में चला जाता है तो वहाँ जा करके वो आत्महत्या करता है। कारण ये है कि उसे वो सेलेक्टेड क्वेश्चन तो याद है लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल है, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, चाहे मैथ के हों, वो फंडामेंटल को वो नहीं जानता है क्योंकि उसने पूरी किताब नहीं पढ़ी है। कोचिंग में सिर्फ उसको कंपटीशन के लिए जितने क्वेश्चन तैयार कराने थे वो क्वेश्चन तैयार कराते हैं, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं सिखाते। जबकि स्कूल में अगर वो पढ़ता है तो हम एक एक सब्जेक्ट पे एक एक चैप्टर को पढ़ाते हैं, एक एक कंसेप्ट बच्चे का क्लियर होता है यहाँ पर, और वो ही बच्चे आगे जा करके IITs में पास होते हैं और अच्छा परिणाम लाते हैं और उन्हीं को अच्छा पैकेज मिलता है। ये सरकार खुद अपना बुरा करना जा रही है, अपने सरकारी स्कूल तो इनके खुद के बर्बाद ही हैं,
क्योंकि सरकारी स्कूलों में की स्थिति आज ये है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होने के बावजूद और बहुत जगह तो बिल्डिंगें नहीं है, लेकिन जहाँ बिल्डिंगें हैं वहाँ भी बच्चे नहीं हैं इन लोगों के पास में, और बाकी तो इनके पास बिल्डिंग नहीं है। लेकिन अब जो स्कूल अच्छे चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल अच्छे चल रहे हैं, जिनमें इनके खुद के बच्चे, चाहे वो शिक्षा सेक्रेटरी के बच्चे हों, चाहे वो एजुकेशन ऑफिसरों के बच्चे हों, चाहे सारे गवर्नमेंट टीचर्स के बच्चे हों, वो सब प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट इस तरीके के नियम ला ला करके उन पेरेंट्स को भी हावी करती है, और पेरेंट्स भी आज ये समझता है कि ये स्कूल वाले हैं, छोटे स्कूल वाले हैं, इनको मैं अपने पैसे से दबा लूँ अपने बच्चे को, और ये जो काम कर रहे हैं ये निश्चित रूप से बच्चे के लिए सबसे दुर्भाग्य का काम ये कर रहे हैं बच्चे के लिए। क्योंकि बच्चे को जब ये घर में बैठ करके पेरेंट्स ये कहेगा कि तेरे टीचर की तो मैं ये कर दूंगा, टीचर की ये कर देंगे, तो इससे बच्चे के पे गलत प्रभाव पड़ेगा। जबकि उसको ये प्रेरित करना चाहिए कि नहीं, हमारे बाद में सबसे ज़्यादा अगर किसी की इज्जत करनी है तो अध्यापक की इज्जत करनी है। अगर ये पेरेंट्स अपनी बात बच्चों को समझाएगा तो वही बच्चा आगे अनुशासित रहेगा, वही बच्चा आगे पढ़ पाएगा, उसी बच्चे का कल्याण हो पाएगा। नहीं बिल्कुल, अब जो अगर इस प्रकार की शिक्षा पे अगर कोई पिक्चर बनती है तो हम निश्चित रूप से उसका समर्थन करते हैं, उसका हम सहयोग करेंगे, और पहले भी हमने समर्थन किया है, और हम लोगों ने इन पिक्चरों को बच्चों तक को भी दिखाई है, पूरे स्टाफ को दिखाई है, हमने खुद ने भी देखी है। और ऐसी प्रेरणादायक पिक्चरों के लिए तो हम अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की पिक्चरें बने और एक संदेश दे करके जाए, बच्चों का मानस बना करके जाए उसमें पिक्चरों, इस प्रकार की पिक्चरों में बच्चे को अच्छा और बुरा कि कहाँ उसकी अच्छाई है कहाँ बुरा है। क्योंकि कुछ बच्चे जैसे कॉलेज में आते हैं या स्कूल लाइफ में जब आते हैं तो कुछ हार्मोनल उनमें चेंज आता है, उस हार्मोनल चेंज के कारण कुछ बच्चे अलग गलत दिशाओं में भी जाने लगते हैं। लेकिन पिक्चर के माध्यम से उसे वो गलत दिशाओं में जाने वाले बच्चों का भी ज्ञान होगा और अच्छे बच्चों का भी ज्ञान होगा, और अंत में उसको ये समझ में आएगा कि हमें किस प्रकार से अपना निर्माण करना है, अपना कैरियर किस प्रकार से मुझे तैयार करना है। तो उसमें दोनों ही चीज़ें दिखाई जाएगी, पिक्चर में दिखाई जाती है कि क्या अच्छा है बच्चे के लिए और क्या बुरी संगत भी दिखाते हैं और अच्छी संगत भी दिखाते हैं, तो और उसके बाद में क्या परिणाम आते हैं, तो बच्चे पे जरूर इसका प्रभाव पड़ता है। और इस प्रकार की पिक्चरों का हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, हमारे संगठन की तरफ से भी हम पूर्ण सहयोग करेंगे। अनमोल जी को बहुत बहुत बधाई जो इस प्रकार का ये काम लाए हैं, इस प्रकार की पिक्चर बना रहे हैं, अपना पूरा समय और अपना सब कुछ न्योछावर करके, जबकि हमें भी मालूम है इस प्रकार की पिक्चरों में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं होता है। क्योंकि आप स्कूल के बच्चों को जब दिखाओगे तो हमें भी मालूम है कि आप हमसे क्या क्या चार्जेज होगा, तो कोई कमाई वाली बात तो बात है नहीं। लेकिन हम गवर्नमेंट से ज़रूर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट भी इसमें कुछ सहयोग करे, और कम से कम राजस्थान में जितनी भी जगह पर ये पिक्चर रिलीज हो गवर्नमेंट उसको एक तो टैक्स फ्री करे, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो सहयोग इस प्रकार की पिक्चरों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जब लाखों करोड़ों रुपए शिक्षा पे खर्च कर रही है, शिक्षा का बजट करोड़ों रुपए का जब बजट खर्च कर रही है, तो हम कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार की पिक्चरों पे कुछ बजट अगर वो खर्च कर दे तो निश्चित रूप से राजस्थान के बच्चों का कल्याण होगा, भला होगा। और हमें ये शुभकामनाएं, अनमोल जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम शुभकामना देते हुए। ये अनमोल भैया फिल्म जो बच्चों के लिए बनाई गई है 31 अगस्त 2018 को रिलीज हो रही है। मैं अपने पूरे स्टाफ और स्कूल के बच्चे और सभी के साथ में ये पिक्चर देखने जा रहा हूँ, और आप सबसे भी यही मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पिक्चर को देखें। ये इसमें बच्चों को मोटिवेशन फिल्म बन रही है, बच्चों के लिए प्रेरणादायक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी इस फिल्म को दिखाएं।